आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आई नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। जस्टिस संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी बने सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू, एम्स में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी। आज से 3 दिन के गुजरात दौर पर पीएम मोदी, वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करेंगे पीएम। तमिलनाडु में बैन होने के बावजूद खेला जा रहा है जल्लीकट्टू, बैलों की टक्कर से 2 दिन में 100 से ज्यादा घायल। लगातार 8वें दिन बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, डीजल 64.78 रुपए और पेट्रोल 70.47 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा नाम का कैंसर, इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए जेटली। अखिलेश से मुलाकात के बाद सपा बसपा गठबंधन में आरएलडी को मिली 4 सीटें। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को आज सुनाई जाएगी सजा। नए सीबीआई प्रमुख के लिए 24 जनवरी को बैठक, पीएम मोदी करेंगे चयन समिति की अगुवाई। अभी की खबरों में बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।